हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रिटेन के इलेक्शन की। ऋषि सुनक जो इंडियन ओरिजिन के थे, बहुत ज्यादा उनसे उम्मीदें थी, अब वो सत्ता से जा चुके हैं। यानी ऋषि सुनक की जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो सीटें हार चुकी है और भारत में जो 400 पार का नारा लग रहा था वो एक्चुअली ब्रिटेन में काम कर गया। कीर स्टार्मर, ठीक है, कीर स्टार्मर जो है वो 406 सीट जीत गए हैं लेबर पार्टी के। चलिए अब सोचोगे कि क्यों बात की जा रही है कीर स्टार्मर की। कीर स्टार्मर की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि कीर स्टार्मर लेबर पार्टी से जुड़े हैं और भारत को लेकर लेबर पार्टी के कुछ स्टेटमेंट हैं जिसमें यह भी इन्वॉल्व है, उसको हम लोग देखेंगे। इससे पता चलेगा कि आगे जाके भारत और इनका रिलेशन कैसा होगा। और ये लेबर पार्टी है तो लेबर पार्टी से जुड़ा हुआ आपको फैक्ट याद होगा, भारत की जो आजादी थी वो भी लेबर पार्टी ने ही दी थी। जब इटली प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उनके मैनिफेस्टो में ही लिखा था कि जैसे हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत को आजाद करेंगे। उसी तरह से इस बार के लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में था जब हम सरकार बनाएंगे तो फिर भारत के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौता करेंगे, मुक्त व्यापार समझौता करेंगे, इनके मैनिफेस्टो में ही था। खैर, अब सवाल है कि ऋषि सुनक से हमें इतना प्यार क्यों था। दरअसल ऋषि सुनक और उनकी जो पत्नी है जिनका नाम है अक्षरा मूर्ति, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के। अब इंडियन ओरिजिन के कारण हमारा लगाव इनसे था, बट ऋषि सुनक के साथ ठीक था, लेकिन जो सोचे थे हम लोग वैसा नहीं चल रहा था। सब कुछ बड़ा स्लो चल रहा था। 14 मीटिंग हो चुकी FTA पे, बात आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब ये सरकार में आए तो दो वर्ड अचानक से ट्रेंड करने लगा। वो जो दो वर्ड ट्रेंड कर रहा है दैट इज हिंदू फोबिया और कश्मीर। अब ये हिंदू फोबिया और कश्मीर लेबर पार्टी से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है इसको हम लोग देख लेते हैं। लेबर पार्टी से इस सेंस में हिंदू फोबिया और ये जुड़ा हुआ है क्योंकि था ये 2029 की बात है। 2029 में इन्होंने क्या कहा लेबर पार्टी के, इन्होंने कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट रिलीज किया कि जो कश्मीर है इसके अंदर थर्ड पार्टी की एंट्री होनी चाहिए। कश्मीर जो है बायलेटरल इशू नहीं है, दो देशों के बीच का सब बीच की विवाद नहीं है, और कश्मीर में कश्मीरियों को स्टैंड लेने की, उनको अपने जो भी अकेले रहना नहीं रहना टाइप की उसकी आजादी देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट उस समय लेबर पार्टी के द्वारा इमरजेंसी प्रपोजल लाके, यानी आपात प्रस्ताव लाकर, उस समय उनके नेता जेरेमी कॉर्बिन थे और इंटरनेशनल जो पर्यवेक्षक होते हैं उनको कश्मीर इशू में इन्वॉल्व करने की बात की गई थी। ठीक है, तो ये एक विवाद था। तो ये जब स्टेटमेंट उधर जारी किया गया तो भारत सरकार के द्वारा काफी ज्यादा विरोध किया गया। जब भारत सरकार ने इसका विरोध किया तो लेबर पार्टी को पीछे आना पड़ा और इन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया कि नहीं, कश्मीर दोनों देशों का, यानी इंडिया एंड पाकिस्तान का मुद्दा, और वो दोनों देश ही इसको सुलझा ले, बाहर के लोगों को आने की जरूरत नहीं। तो ये मामला सुलझा। दूसरा मामला था वो ये कि कुछ लेबर पार्टी के लोग खालिस्तान के नेता को सपोर्ट कर रहे थे, तो इसको लेकर भी थोड़ा सा उनके साथ था। और तीसरा है हिंदू फोबिया। दरअसल हिंदू फोबिया होता क्या है, हिंदू फोबिया, फोबिया का मतलब क्या होता है, डर, है ना। तो हिंदू फोबिया भी चर्चा में इसलिए आ गया कि हिंदू फोबिया पहले समझिए क्या होता है। मतलब जैसे हिंदू फोबिया है तो उसमें हिंदू सेंटर में होगा, यानी हिंदुओं के प्रति निगेटिव थॉट्स, हिंदुओं के प्रति, हिंदू कल्चर, हिंदू रिलीजन, हिंदू कस्टम के प्रति निगेटिव थॉट्स से नफरत फैलाना, उनको विरोधी समझना, तो ये है हिंदू फोबिया। और ये हिंदू फोबिया में ईसाई जो धर्म प्रचारक हैं वो खास करके हिंदू देवी देवता को जब टारगेट करते हैं, तब जाके ये हिंदू फोबिया और ज्यादा भड़कता है। अब इसको ठीक करने के लिए, ये जो भाई साहब हैं, इन्होंने जब नए प्रधानमंत्री बने इन्होंने कहा कि हम पब्लिकली होली में पार्टिसिपेट किए, हम पब्लिकली दीपावली में लोगों से मिले हैं, यानी हम हिंदुओं से मिलते हैं और हमको हिंदू फोबिया वाली यहाँ पे कोई बात नहीं है। तो इस तरह से न्यू प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है और न्यू प्राइम मिनिस्टर इस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। अब सवाल है कि अब भारत के साथ क्या। तो देखिए, याद रखिएगा कि भारत की जो भारतीयों की जो संख्या है ब्रिटेन में वो लगभग 18 लाख है, और ब्रिटेन की इकोनॉमी में भारत का योगदान लगभग 6% है। यानी ब्रिटेन की जो GDP है उसमें 18 लाख लोगों का लगभग 6% का योगदान है, तो अच्छी खासा योगदान है जिसको ये प्राइम मिनिस्टर इग्नोर नहीं कर सकते।
अब दो साल से ज्यादा हो गया है, 14 बैठकें हो चुकी है, किस पर? FTA पर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। इस बार ऐसा माना जा रहा है कि, और ये चीजें बहुत स्लो चल रही थी ऋषि सुनक के टाइम में, तो अब ये माना जा रहा है कि जब नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर आए हैं तो FTA पे बहुत जल्दी ही समझौता होगा, क्योंकि ये चाह भी रहे हैं। दूसरा, जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन अभी पूरी तरह से मजबूत नहीं है, मतलब उसको और ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जरूरत है, और उसके लिए भारत जैसे मार्केट इनके लिए अहम हो जाते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये FTA करने वाले हैं। तो एक तो ये हो गया, और तो जो चीजें चल रही है वो चलती रहेगी। यहाँ पे स्टेटमेंट रिलीज किया गया है, इंडिया और ब्रिटेन के बीच में जो रिश्ता है वो एज इट इज रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके अंदर बदलाव होगा। और एक और है, वो ये है कि कुछ फैक्ट्स है, लाइक जो प्राइम मिनिस्टर का आवास होता है उसको 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहा जाता है, जो ब्रिटेन के पीएम का आवास है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही फॉर्म हमने लिया है, लोकसभा और राज्यसभा, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, तो वहां के लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, वहां के राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स लाइक अ राज्यसभा, हाउस ऑफ कॉमन्स लाइक अ लोकसभा। तो ये है, और तो ये चीज न्यू करंट अफेयर्स है, तो ध्यान रखिएगा, और इनका खूबसूरत सा मुस्कुराता चेहरा आपको याद रखना है, कीर स्टार्मर का, ये नए प्राइम मिनिस्टर बने 406 सीट के साथ, लेबर पार्टी की सरकार बनी। ये इंपॉर्टेंट, और भी जो अपडेट आएगा हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो।